अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है। इसके लिए सरकार चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। सरकार निरंतर जो चारधाम यात्रा व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किस प्रकार से हो, इसके लिए लगातार विचार कर रही है, प्रयास कर रही है। और इस क्रम में जो चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण की जो चर्चा हो रही है वो इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हो रही है और उस पर गंभीरता से अभी विचार चल रहा है। और जो भी उसमें जितना भी बेहतर, आप जानते हैं कि क्योंकि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चारधाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है, तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चारधाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से, उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियाँ हैं, जो रिपोर्ट है, वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी।